जीसीएल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित आचार्य देवो भव अवार्ड्स 2024 का आठवां संस्करण भव्यता के साथ एसके क्लाइड होटल गाजियाबाद में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से आए 100 से अधिक आचार्यों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन पिछले 8 वर्षों से निरंतर हो रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देना है। बता दें, समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता मुकेश खन्ना जी ने शिरकत की, जिन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह की यादगार भूमिका निभाई थी और भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के रूप में बच्चों और बड़ों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अन्य विशिष्ट अतिथियों में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत कौशिक, मेजर जनरल पीके सहगल, पश्चिमी जितेंद्र सिंह सांटी, ब्रिगेडियर सुनील कुमार, बाइट स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर किरण दलाल, नरेल वशिष्ठ, नीरज जैन, मनोज कौशिक और डॉक्टर मुकेश साहू जैसे सम्मानित व्यक्तियों ने उपस्थिति दाखिल की। इस कार्यक्रम में संतों और महंतों की गरिमाई उपस्थिति ने आयोजन की शोभा को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के माता ज्वाला देवी शक्तिपीठ से पंडित अभिनव शर्मा, तीर्थ प्रयाग से स्वामी अभिरामाचार्य घरना, भद्रकाली के गर्दनशीन महंत के एल शर्मा, महंत सुमन गोस्वामी, साध्वी समाहिता देवी और स्वामी चिंतामणि जी ने उपस्थिति जन सभा को आशीर्वाद प्रदान किया। बॉलीवुड की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, जिसमें प्रसिद्ध गायक सरोज शर्मा, हरियाणवी गायक हरजीत दीवान, एमएस निजामी ब्रदर्स, अंजलि 99, सुनील मस्ताना, दीपक शर्मा, प्रिंस सूफी और अमन शामिल थे। डॉक्टर गौरव एक बहुत ही नायाब काम करते हैं, क्योंकि समाज के उन लोगों को चुन के लाना जो जमीनी स्तर पर मानवता के लिए काम, देश के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, तो चुनना ही बड़ा मुश्किल है। तो चुन के लाकर उनको अवार्ड कर, मुझे याद है जब मुझे पद्मश्री मिला था तो मैं हैरान था कि 145 करोड़ की आबादी में 102 लोग चुने कैसे, मैं तो हैरान था। और शायद पहले ये अवार्ड दिखता था तो सुनकर था, लेकिन मैं हैरान था कि जब मैं अवार्ड देने गया था वहाँ ऐसे लोग थे जिनके पैर में चप्पल आई। इसी प्रकार मैं आज भी देख रहा हूँ कि जो देश के कोने कोने से कर्नाटक से लेकर दिल्ली कहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी से कैसे लोग आए अवार्ड ले रहे हैं, वो हमारे देश की विभूतियाँ। देखिए, मैं महानायक उसको कहता हूँ जिसने कुछ किया हो देश के लिए, मानवता के लिए। जैसे कोविड के अंदर डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मी, सबसे बड़ी बात सफाई करना, तो समझो हमारे घर के बाद सफाई करना, वो हीरोज थे, महानायक। मैं जब याद है पद्मश्री के बाद, पहले पद्मश्री से मैं अमिताभ जी ने बुलाया था मुझे, तो मैंने हाथ मिलाना लगा कहता नहीं गले मिलो, मेरे अंदर वाइब्रेशन आ रही है, मैं महानायक हूँ। आप उन्होंने ये बात बोली डॉक्टर, तो ये बातें लेके जाने छिपने इस खुशबू को फैला ताकि आप उन लोगों का भी दिल करें कि हम सेवा करें, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स नहीं है, बहुत मुश्किल है आपको चुन के लेके आना और आपका अवार्ड देना। मैं गौरव को खास नहीं बताई, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने नशे के ऊपर एक नशे के गेस्ट वाले गीत प्रोजेक्ट किया, उसको लॉन्च किया। इसकी बहुत जरूरत है हमारे देश को, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की जवानी को नशा खा गया है। उस नशे की वजह से हमारी बहुत प्रोग्रेस होती है, वो बच्चे जो पता नहीं कुछ देश के भावी कोई डॉक्टर, कोई मिलिट्री में जा सकते थे, कोई सोशल सर्विस कर सकते थे, लेकिन नशे ने उनको ख़त्म कर दिया, खास करके मेरे पंजाब। मेरा पंजाब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी धरती, हमारे पंजाब की वो धरती है, इतने तिरंगे पूरे देश में नहीं लगते होंगे जितने तिरंगों में लाशें लिपट के आई हैं उस पंजाब के। उस पंजाब के बच्चे आज नशे में लुप्त हो जाते हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उसमें थोड़ा दर्द होता है दिल के अंदर कि आज क्यों होता है ऐसा, क्यों नहीं रोक सकते हैं उसको। तो ऐसे जो गीत आज इन्होंने बनाए हैं ये लॉन्च होने चाहिए और गली गली में, शहर शहर में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में जाने चाहिए। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा की तरफ से बधाई देता हूँ और जो अच्छे अच्छे मेहमान बुलाए हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ।
सर सबसे पहले तो हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दें कि हम MS निज़ामी ब्रदर्स मोहसिन जफर निज़ामी एंड सलमान जफर निज़ामी द रियल मेड इन हेवन फैम आर्टिस्ट, जो हमारा सॉन्ग है एनी सगी मोरे पिया घर आए, जो हमने वेब सीरीज़ के अंदर गाया है। और बात रही श्री गणेश नमन महा की, जैसे कि आपको मालूम है कि सनातन धर्म में जब तक श्री गणेश ना हो तो कुछ कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसी तरह मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पहले अल्लाह हम शरीफ पड़ी जाती है। तो हर धर्म का मान सम्मान है और हम फनकार हैं, हम सभी धर्मों की सभी रिलीजन्स की इज्जत करते हैं, बताजीम बा एहतराम। और ये कहना चाहिए जो आज का ये अवार्ड रखा गया था हमारे दोस्त हमारे भाई डॉक्टर गौरव शर्मा जी ने, आचार्य देव भवा अवार्ड, जिसके अंदर मतलब इस तरह की शख्सियतें करम फरम में मौजूद रहीं, तो जो अपने आप में काबिल तारीफ, तो उन सबको जिनको अवार्ड मिला है हम उन सबको अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी अपनी फिल्म की अच्छी तरह तरक्की करें और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम लोग एक सॉन्ग अपना कोई मोहसिन भाई दो बोल जी जी, तो जो हमारा सॉन्ग है हम आपको वही सुना रहे हैं मेड इन हेवन वेब सीरीज से। आज मौसम बहुत है सुहाना, आज मौसम बहुत है सुहाना, मेला देसा की पैमाना है, मेला देसा की पैमाना, तेरी अखियों का है, तेरी अखियों का मैं भी दीवाना, तेरी अखियों का मैं भी दीवाना, बनूंगा तेरा मस्ताना, जाने जाना बनूंगा तेरा मस्ताना, मेरी जाना बनूंगा तेरा मस्ताना, आजा आजा ए जाने जाना, आजा आजा ए जाने जाना, आ कर ले मुझसे याराना, मुझसे याराना, लुत्फ़गर है जवानी का उठाना, लुत्फ़गर है जवानी का उठाना, बाहों में मेरी आ जाना, जाने जाना बाहों में मेरी आ जाना। इसी के साथ हम आपके अपने MS निज़ामी ब्रदर्स और बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच आई फील एज शक्तिमान एंड इवन मुकेश गन्ना एंड इवन भीष्म पितामह, मेरे को ये दिमाग में लगता है कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है। भटक रहे, लिटरली भटक रहे हमारी संस्कृति, जो वो कहते हैं अरे 500 साल पीछे कौन जाएगा था, 5000 ऐसा 5000 साल पहले की संस्कृति को यहाँ पर रखो, आगे चढ़ो अदवत पतन हुई। सो आई इंसिस्ट ऑन नॉट एग्जैक्टली सनातन धर्म, बट आई इंसिस्ट ऑन educating the today's youth to learn from maybe Sanatan Dharma, maybe from Shaktiman. But you know, एक छोटी सी बात कहूँगा आपका आंसर मिल जाएगा। हमारे ज़माने में एक स्कूल सिलेबस में एक मॉरल क्लास होती थी, इफ यू रिमेंबर, किसी को मॉरल क्लास के अटेंड, आज साहब वो क्लास बंद कर दी गई है। तो क्या समझते हैं आप बच्चों को इमोरल बनाना चाहते हैं? सो इमोरल मॉरलिटी हैज़ टू बी टॉट टू द किड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। छठी में गीता डाल दीजिए, छठी में संस्कृत सिखाइए। आई थिंक शक्तिमान, देखिए मैं जैसे कि अभी शक्तिमान लेगेसी भूल जाइए, मैं बोलता हूँ 97 में जितनी शक्तिमान की बच्चों को आवश्यकता थी 2024 में 10 गुना ज्यादा, आगे जाके और भी जरूरत। गौरव को तो अभी आपने देख ही लिया, मेरे से ज़्यादा तो गौरव को देखा आपने आज। तो गौरव के अंदर एक इच्छा थी जो 3 महीने पहले शायद मेरे ऑफिस में आए थे अपने बर्थडे पर, और 3 महीने पहले मेरे को बुक कर दिया और मैं बीच में परेशान था। मैंने कहा पूछो उसको करने वाला कि नहीं करने वाला, मेरी डेट होल्ड करके बैठ गया है वो। और अल्टीमेटली इट हैपेंड एंड आई एम हैप्पी। आई वाज स्लाइटली, कल मैं थोड़ा सा नाराज था, रिसेप्शन कमेटी नहीं है इनकी प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं मैं आ तो गया पर अभी मैं एंड सी जिसको बोलते हैं जो एंड अच्छा हुआ वो सब अच्छा। इसी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम सिर्फ नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हो, सब नेता कुछ नहीं करेंगे, माफ़ करना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, उनके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो लड़ने में सारा वक्त व्यतीत कर देते हैं, 5 साल में 4.5 साल कुर्सी खींचने में चले जाते हैं, तो क्या काम करेंगे? NGOs इस तरह की जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको काम करना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा। और आज कोई भी लोअर तबके वालों को, बड़े तबके वालों को हेल्प करना चाहिए। मेरा भी खुद का एक फाउंडेशन है, मैं भी हेल्प करता हूँ लोगों को। तो मैं लोगों को से कहूँगा कि कीजिए, आप में अगर शक्ति है तो कीजिए, क्योंकि ये सारे देश के गरीब आप पे निर्भर करते हैं। माफ़ करना, अगेन मैं पॉलिटिशियनों को बोल के कुछ कहूँगा नहीं, बट करिए सर।
कुछ ना कुछ करिए। सर शक्तिमान, शक्तिमान के अगर मुझे आप बोलने को बोलो आज ना दूरदर्शन पे या कहीं भी, मैं 1000 एपिसोड और बना सकता, क्योंकि फर्क है कि उस वक्त केलविश कपाला था, आज गूगल और मोबाइल जो है शत्रुघ्न है। तो मेरे लिए कहानी बदलती है, कहानी का अंदाज बदलता है, बट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई भी फिल्म कोई भी सीरियल बिना मैसेज के मत बनाए। देश में आज बहुत कुछ, हमारा देश महान था, है और रहेगा, पर साहब माफ़ करना आज पूछना पड़ता कभी कभी, हमारा देश महान कब होगा? व्हाई वी आर ऑलवेज, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है शिक्षा से। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा शार्थियों को मैं कहूँगा पूरा सिलेबस चेंज कर दीजिए। हमारा इतिहास लिखा है बाहर के लोगों ने, हमारा इतिहास हमारे लोगों ने नहीं लिखा। इसीलिए हम लोग मुगले आजम फिल्म देखते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, सबकी खानदान जानते हैं, अपने खानदान को नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं हमको अपने अपना इतिहास, महाराणा प्रताप लिखिए साहब, चंद्रशेखर आज़ाद का बनाइए, भगत सिंह की बात करिए, उनके चैप्टर इतने छोटे छोटे होते हैं और इनके तीन तीन चार चार पेज, इसलिए हमको मालूम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अरे साहब अपने दादा का नाम बताओ ना। दादा का नाम नहीं मालूम क्योंकि सिखाया नहीं गया स्कूल में। सर शक्तिमान जैसा शो मुकेश खन्ना फिर से बना रहा है और सोनी के साथ मिलकर फिल्म बड़ी, तीन बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं से ही आदर्श रहे हैं। आज आचार्य देवो भव में सर को इनवाइट करने का जो हमारा मोटिव था वो आज पूर्ण हुआ। सारे संत समाज के अभी सारे हमारे संत सब महंत सर को सभी फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं, और जितने भी हमारे आज बाकी डिग्नेटरीज थी वो आज सबके उपस्थित होने का रीज़न भी ये था क्योंकि मुकेश खन्ना सर आज दिल्ली में आ रहे हैं, उनका रीज़न ये था। आचार्य देवो भव संपन्न हुआ, सर का आशीष हमें प्राप्त हुआ और मैं चाहूँगा फ्यूचर में सर के आदर्शों को हम सभी फॉलो करें।